हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। गाइस, फाइनली जो है फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग बिलियन सेल के जो है सभी ऑफर अनाउंस कर दिए हैं। हमने जो है एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर जो है पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप जो है सभी फोन के जो है ऑफर्स देख सकते हो कि कौन से फोन में क्या ऑफर आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ जो कि फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल का सबसे बड़ा ऑफर है, LG G8X जो कि थिनक्यू के नाम से आया था। अब उसमें ऐसा क्या है, एक्चुअल जो उसका प्राइस है ना, वो अभी फ्लिपकार्ट पे शो कर रहे हैं 55,000 रुपए, लेकिन जब वो फोन लॉन्च हुआ था तो 50,000 रुपए में सेल आउट हो रहा था। मतलब 50,000 रुपीज का ये फोन आपको मिल रहा था जो कि डुअल स्क्रीन साथ के साथ में आता है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है अपने बिग बिलियन सेल के लिए एलजी से टैप करके, उन्होंने यहां पे प्राइस अनाउंस किया है 19,999, मतलब 20,000 रुपए का फोन एक डुअल स्क्रीन साथ में। गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लैगशिप फोन यूज करो, और साथ में आपको बता दूं कि आपका एक डिमांड थी कि यार फोल्डेबल फोन जो है कम प्राइस में आना चाहिए, तो गाइज ये जो है उसका पूरा फील दे सकता है LG G8X। अब गाइस उसमें ऐसा क्या है, गाइस ये फोन आपको पड़ जाएगा आफ्टर डिस्काउंट के बाद में लगभग 18 का या फिर जो है 18,500 का, डिपेंड करता है SBI क्रेडिट कार्ड पे जो है मैक्सिमम कैपिंग कितनी है कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1,500 रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट होगा तो ये फोन आपको 18,500 का पड़ जाएगा, अगर 2,000 रुपए होगा तो ये फोन आपको जो है 18,000 का पड़ जाएगा। लेकिन उस प्राइस सेगमेंट में ही बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी अच्छी डील है ये, डायरेक्टली 71% जो है कंपनी डिस्काउंट दे रही है, 10% SBI डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब ये कमाल का फोन होने वाला है। अब इसमें ऐसा क्या है गाइज, यहां पे जो है अगर कंपैरिजन करते हैं फीचर्स से तो ऑलमोस्ट वही फीचर मिलते हैं जो कि हमें दूसरे ब्रांड अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो सबसे हाइलाइटेड पॉइंट है वो है डुअल स्क्रीन। अब डुअल स्क्रीन में क्या होता है गाइज, वो क्या है, कवर है, मतलब जो है कवर आता है, फ्लिप कवर आता है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगी हुई है इनसाइड, मतलब जो है अंदर की साइड में एक स्क्रीन लगी हुई है, बाहर की साइड में आप जो है टाइम वगैरह देख सकते हो। तो उस कवर को जैसे ही आप अटैच करोगे टाइप सी पोर्ट के साथ में तो डुअल स्क्रीन जो है ऑन हो जाएगी, और वहां पर आप जो है अलग अलग काम कर सकते हो। जैसा कि यहां पे जो है सेकंड वाली स्क्रीन पे जो है कुछ और प्ले कर रहा है, मतलब मेन्यू बार ओपन हुआ है, और फर्स्ट वाली स्क्रीन पे जो है यहां पे आपको वीडियो प्ले चल रहा है, और इसके अलावा जो है गेमिंग भी यूज हो सकते हो, मतलब मेन स्क्रीन में आपने जो है गेम प्ले कर लिया और जो सेकंड स्क्रीन है वहां पे आपने जो है उसको कीबोर्ड ऑन कर लिया, मतलब गेमिंग के लिए। मतलब ये फोन जो है काफी अट्रैक्टिव होने वाला है, काफी शानदार फोन है, और ये फोल्डेबल वाले से जो है डिफरेंट है क्योंकि जो इसकी स्क्रीन है वो 360 डिग्री जो है घूम जाती है, मतलब बैक साइड भी जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हो एंड आगे जो है फोल्ड कर ही सकते हो। तो ये डुअल स्क्रीन जो है इसका हाइलाइटेड पॉइंट है एंड बेस्ट पार्ट है। बात करते हैं गाइस के फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें चिपसेट यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 855। अब 855 जो है अगर 20,000 रुपए की प्राइस में मिलता है, जैसे कि हमें मिला था पोको F1 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 लगभग 20,000 रुपए की प्राइस में, तो वही जो है सीन अभी होने वाला है LG का G8X स्नैपड्रैगन 855 के साथ में, मतलब 20,000 रुपए के अंदर प्राइस में ये फोन जो है काफी अच्छा होने वाला है गेमिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइस अगर आपको यहां पे मेन पर्पस है कैमरा, तो वहां पे जो है कैमरा आप जो है बिल्कुल भी एक अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको यहां पे मिलता है ड्यूअल कैमरा जो कि मेन कैमरा है 12 मेगापिक्सल के साथ में, सेकेंडरी कैमरा है 13 MP के साथ में जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल। तो वहां पर मैं ये बोलना चाहूंगा कैमरा क्वालिटी में आपको थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो मिलता है 32 MP के साथ में जो कि एक अच्छी डिसेंट सेल्फी आपकी जो है कैप्चर कर सकता है। मतलब फ्रंट कैमरा ओके है, लेकिन बैक कैमरा की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बैक कैमरा के साथ में। गाइस इसके अलावा बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ये फोन जो है कॉम्पैक्ट फोन आता है जो कि है 6.4 इंच के डिस्प्ले के साथ में, लेकिन यहां पे डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफी ऑसम मिलेगी जो कि है ओलेड स्क्रीन के साथ में। फ्रंट साइड में यूज किया गया है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन एंड फोन के बैक साइड में यूज किया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। काफी अच्छी डील होने वाली है गाइस अगर इस प्राइस सेगमेंट की बात करते हैं तो। आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा जो कि है ओलेड स्क्रीन के साथ में, लेकिन सिक्योरिटी के अलावा आपको बता दूं इसमें फेस लॉक ऑप्शन नहीं मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं इस LG के UI के बारे में। LG का UI जो है काफी स्मूथ होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने काफी टाइम पहले फोन यूज किया है, LG का UX 10.0 के साथ में जो है UI आता है इसके अंदर, मतलब जो है इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होती है प्रीलोडेड होती है उसको भी जो है यहां पे डिसेबल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। गाइस इसके अलावा जो है बात करते हैं यहां पे वेरिएंट के बारे में, तो उस प्राइस सेगमेंट आपको जो है 6GB रैम वाला वेरिएंट मिलेगा जो कि होगा 128GB के साथ में, ड्यूअल सिम के साथ में आप जो है हाइब्रिड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, मतलब यहां पे हाइब्रिड स्लॉट है जो कि बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन गाइस अगर मैं यहां पे बात करता हूं वेरिएंट की,
तो एक काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, मतलब 6GB रैम साथ में उस प्राइस सेगमेंट में और सभी फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। गाइस आपको यहां बैटरी मिलती है वो है 4000mAh की बैटरी। अगर मैं यहां पे अगर आप डुअल स्क्रीन यूज करना चाहोगे तो 4000mAh की बैटरी जो है आपको कम परफॉर्मेंस देगी। अगर यहां पे सिंगल स्क्रीन आप यूज करते हो, मतलब कवर को जो है आपने रख दिया साइड में एंड सिंगल स्क्रीन आप यूज करते हो, तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिल जाएगा क्योंकि ऑलिड डिस्प्ले है, बैटरी को कंजन कम करेगा एंड बैटरी परफॉर्मेंस काफी बेटर मिलेगा। लेकिन अगर आपको जो है डुअल स्क्रीन मिल रहा है तो आप डुअल स्क्रीन यूज करो, दिखाने के काम आएगा, मस्त फ्लैगशिप वाला फील आएगा, मतलब इंटरनल लगेगा कि यार क्या चीज है, क्या शानदार है। तो गाइस इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको जो है फास्ट चार्जिंग आपको इनबॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल बोलना चाहूंगा इस प्राइस सेगमेंट में स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ में फोल्डेबल वाला एक यहां पे लुक, मतलब डुअल स्क्रीन के साथ में काफी अच्छी डील है। तो गाइस ये था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कि आपका क्या मानना है इस LG G8X के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही आज के वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।